पानीपत के समालखा में संत निरंकारी मिशन 3 दिवसीय 72वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 16 से शुरू होने वाला है। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने समागम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया था। 4000 से अधिक संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य तथा अन्य श्रद्धालु प्रत्येक दिन सेवा कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों की भांति इस बार भी दिल्ली और हरियाणा के अलावा देश के अन्य राज्यों से आकर भी श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं। आज पुलिस कप्तान सुमित कुमार सुरक्षा जायजे के लिए अधिकारियों के साथ पहुंचे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल जीटी रोड समालखा में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 615 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। आजकल जीटी रोड से आने जाने वाले यात्रियों के लिए यह आसमानों की चमकती नगरी एक आकर्षण का केंद्र बने हुए है। देखिए, काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर इस समागम में पब्लिक इकट्ठा होती है और ये 16 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा, लेकिन पब्लिक अभी से आना स्टार्ट हो गई है। तो हमारी फुल फ्लैश ड्यूटियाँ लगनी ऑलरेडी हमने इंप्लेस कर दी हैं। अलग अलग सेक्टर्स में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। ट्रैफिक सेक्टर अलग है, एक्सेस गेट अलग हैं, पार्किंग एरिया अलग है और जनता पंडाल या VIP स्टेज एरिया वो सारे अलग अलग हैं। सभी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी देख ली है और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की बात ही बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से ये फंक्शन कंप्लीट होगा और हरियाणा पुलिस हमेशा की तरह बहुत बढ़िया से बहुत शांति के साथ इस जो यहाँ पर निरंकारी समागम ये होने जा रहा है इसको सक्सेसफुल पूर्ण कराएगी। सर, देखिए, यातायात के लिए डिप्लॉयमेंट एडिक्वेट है। सीनियर ऑफिसर्स और नीचे कॉन्स्टेबल रैंक तक काफ़ी संख्या में ऑफिसर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। सभी जिम्मेदार ऑफिसर्स के जिम्मे काम सौंपा गया है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नॉर्मल डे से ज़्यादा अच्छे से ट्रैफिक इन दोनों में चलेगा। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।